सभी भाइयों को बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे साथियों, यहाँ पर बहुत बड़ी साल की एक भर्ती आई है, जिस भर्ती का लाखों बच्चों को इंतज़ार रहता है, आपको भी अवश्य रहता होगा। और मैं समझता हूँ कि हर साल जो भर्ती आती है, उन भर्तियों में सबसे बड़ी भर्ती इसी को माना जाता है। बहुत बार बच्चे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और कहते रहते हैं, सर जीडीएस के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि जीडीएस के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए वो हमेशा विशेष क्लासेस पर भरोसा करते हैं। उनसे आज मैं यहीं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको भविष्य की चिंता है, अगर आपको आपके माँ बाप की फिक्र है, गरीबी दूर करनी है, पैसे वाला बनना है, सरकारी नौकरी वाला बनना है, आपके पास भी बड़ा मकान होना चाहिए, फोर व्हीलर गाड़ी होना चाहिए, सब कुछ सपने पूरा करना चाहते हो, तो क्या एसएससी, तो क्या आप जीडीएस में ही सपना देख रहे हो? ये बिल्कुल आप गलती कर रहे हो। मानता हूँ जीडीएस में बिना परीक्षा नौकरी होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हर किसी का नंबर नहीं आता, जैसा कि पिछले 2-3 साल से देख पा रहे हैं, कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, जिसमें 10वीं की परसेंटेज को देख करके मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसका ज़्यादा परसेंटेज होता है उसी का नंबर आता है। दोस्तों, आपको अन्य जगह भी ट्राई करना चाहिए, फॉर्म भरने में हर्ज नहीं है, एक बार ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। आइए इस भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, कहां से कौन सी भर्ती है। एक बार लाइक का बटन दबाएं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे साथियों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे शॉर्ट रूप में एसएससी आप कहते हो, ये वही एसएससी है जो पोस्ट ऑफिस में पीए और एसए की हर साल भर्ती निकालती है। प्यारे साथियों, पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में जो पोस्टल असिस्टेंट होता है, जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, उसकी भर्ती एसएससी ही निकालती है। इसलिए आज ही इस एसएससी को अपनाओ, अपने जहन में एक बार परखो, जांचो कि एसएससी पेपर किस प्रकार दे रहा है। आने वाले दिनों में क्या पता इंडियन पोस्ट ऑफिस एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड की भर्ती जो आ रही है उसको एसएससी कंडक्ट करवा ले, किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए पहले ही जांच लो कि एसएससी का पेपर कैसे आता है, एसएससी क्या है। मैं कहता हूं इस एसएससी ने लाखों बच्चों की जिंदगी बनाई है यार, ठीक है, तो उसको भूलेगा नहीं। और एसएससी के द्वारा ही जीडी की भर्ती आई है। प्यारे साथियों, आपको इंतजार रहता है जीडीएस की भर्ती का, आज इस एस को निकाल दो और केवल इसको देख लो, जिंदगी बन जाएगी। एस को काटो और जीडी को देखो, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो। इसमें फोर्स वाइज वैकेंसी आई है, जैसे कि वीएसएफ के अंदर 15,654 पोस्ट है, सीआईएसएफ के अंदर 7,145 पोस्ट है, सीआरपीएफ 11,541, एसएसबी 819, आईटीबीपी 3,017, असम राइफल्स एआर 1248, एसएसएफ 35, एनसीबी 22। आपकी मनपसंद फोर्स चॉइस कर सकते हो, जौन सा पसंद हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना कि इनमें से कौन सा आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें कुछ बीआईपी फोर्स भी है, जैसे आईटीबीपी हुआ, आपका एसएसएफ हुआ, असम राइफल, एनसीबी, ये वीआईपी फोर्स माना जाता है। बाकी वीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ को तो हर कोई जानता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस बार जो जीडी का नोटिफिकेशन आया है, इसमें 39,441 पदों पर भर्ती आई है, लेकिन अभी ये जब भी एसएससी का नोटिफिकेशन आता है, पहले कम पदों पर आता है, बाकी फिर नेक्स्ट ये फोर्स वाइज अपना अपना डाटा देते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये पद बढ़ने वाले हैं, कम से कम 50,000 पद हो जाएंगे, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 50,000 पद मान कर चलिए। प्यारे साथियों, इसमें अप्लाई डेट 5 सितंबर है और आपको 14 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई करना है। एडिट कर सकते हो 5, 6, 7 नवंबर, 3 दिन का समय है। इसमें सीबीटी कंप्यूटर वैसे टेस्ट जो एग्जाम्स हो रही है वह जनवरी फरवरी 2025 में हो जाएगी, ये फिक्स कर दिया है। मात्र आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर में से और आप 15 दिन निकाल दो, क्योंकि आज 6 सितंबर हो ही गया है, और 10-12 दिन मस्ती कर लो आप, 3.5 महीने मान लो। अगर ये 3.5 महीने आपने इस जीडी को दे दिए, तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में प्यारे साथियों आपकी गरीबी दूर हो सकती है। केवल 3.5 महीने, पेपर का लेवल भी इजी रहता है, कट ऑफ भी इजी रहती है, और पेपर में बहुत कम
पूछा जाता है। सिलेबस बड़ा नहीं है, उसकी चर्चा करेंगे। फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए लग रही है मात्र, एससी एसटी की कोई फीस नहीं है, ऑल कैटेगरी फीमेल कोई फीस नहीं। अगर एससी एसटी का अभ्यर्थी है और किसी भी कैटेगरी की महिला है और आपने इसमें फॉर्म नहीं डाला तो कसम है आपको सरकारी नौकरी की, फिर मत कहना कि मैं बेरोजगार हूं। फिर ऐसे ही आपके रिश्तेदार, ऐसे ही आपके आस पड़ोस माँ बाप आपको कोसते रहेंगे कब लगेगा सरकारी नौकरी। कोई फीस नहीं है, फिर फॉर्म भरने में क्या जा रहा है। जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं वो इस वीडियो पर लाइक का बटन दबाए ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ बच्चे गरीबी से अमीर होना चाहते हैं, बच्चे अपने माँ बाप का दर्द समझना चाहते हैं। नेक्स्ट, इसमें एज 18 से 23 वर्ष तो जनरल की है। अगर आप ओबीसी से हो तो अधिकतम आयु सीमा यानी कि 23 वर्ष में प्लस 3 कर लेना। एससी एसटी फीमेल ऑल कैटेगरी की 5 साल के तक की छूट है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो रिटन एग्जाम्स होगा, उसके बाद एक फिजिकल होगा, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। प्यारे साथियों, केवल 10वीं पास के लिए यह भर्ती है। आपने जीडीएस का फॉर्म डाला है, 10वीं कर रखी है, अरे तो यहां क्यों नहीं भरते। 10वीं पास और साल की सबसे बड़ी भर्ती, और फिर भी अगर आप चूक रहे हो तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपका भविष्य खराब हो सकता है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी सरकारी नौकरी का सपना पूरा नहीं हो सकता। ये जो मैंने आज बताया इस पर अमल कीजिए। एक मिनट दूर जाकर आंख मीच कर सोचना कि किसी टाइम अभिषेक क्लासेस ने, अभिषेक सर ने मुझे एक बात बताई थी कि मैंने उस समय जीडीएस का फॉर्म डाला, सर ने कहा था कि जीडीएस में एस को हटा दो और जीडी को अपना लो, जिंदगी बन जाएगी। तो जिसने ये एसएससी का जीडी एग्जाम्स फाइट कर लिया, 40,000 प्लस सैलरी है, कहां जीडीएस की 18,000 रुपए सैलरी है, पूरे के पूरे भत्ते मिलेंगे, यहां केवल डीए मिलता है महंगाई भत्ता, वो तो आप भी जानते हो सैलरी के बारे में। तो इसलिए प्यारे साथियों, मैं ये नहीं कहता कि जीडीएस में ना जाए, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, फॉर्म तो आप भरिए, लेकिन उसके अलावा इन वैकेंसियों की भी आपको कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट होना चाहिए, इन वैकेंसियों में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। चलिए इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन के ऊपर वहां पर और चर्चा करते हैं, एग्जाम सिलेबस फिजिकल के बारे में। ठीक, नमस्कार साथियों, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कर्मचारी चयन आयोग, आपको बता दूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जिसमें आपको यहाँ पर फोर्स दिखाई दे रही है, ये मैंने जानकारी बोर्ड पर दे दी थी, फॉर्म के बारे में भी, एग्जाम्स डेट के बारे में भी, तो सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आगे चलकर यहाँ पर फोर्स वाइज वैकेंसी और सैलरी की। प्यारे बंधुओं, सबसे पहले पे स्केल देखिए, इसमें पे लेवल 1 के अनुसार सैलरी बन रही है, बेसिक पे 18,000 से 56,900 रुपये रहेगा, तो खूब सारी सैलरी है। मैं समझता हूँ कि आपको सैलरी 40,000 प्लस इसमें देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि लेवल 3 की जो सैलरी है वो 21,700 से 69,100 रुपये है। यहाँ पर आप फोर्स वाइज वैकेंसी की जानकारी देख सकते हो कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह, इनमें कितने कितने पद, कैटेगरी वाइज कितने पद है। जैसे कि एससी पुरुष अभ्यर्थी बीएसएफ 2018 वैकेंसी है, सीआईएसएफ की 959, सीआरपीएफ 1681, 122, एसएससी आईटीबीपी 345, असम राइफल्स 124, एसएसएफ 5 वैकेंसी है। तो टोटल एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की जो वैकेंसी है वो 5,244 है। आप इधर एसटी का देख लेना, ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर और टोटल वैकेंसी फोर्स वाइज आप देख लीजिए। महिला अभ्यर्थी जो है अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हो आप लोग, टोटल वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी हुई है, तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर मैंने नोटिफिकेशन डाल रखा है। एज में आपको छूट मिल रही है, वैसे तो 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है, लेकिन एससी एसटी से हो तो 5 साल की छूट है, तो आप 23 प्लस 5 कीजिए, 28 वर्ष तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा आप देख सकते हो, ये एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर जो ये पॉइंट है इसमें बता रखा है कि कोई आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट रहा है, स्कूली टाइम, कॉलेज के टाइम आपने एनसीसी सर्टिफिकेट ले रखा है, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 5% अंक आपको एग्जाम्स में फायदा होगा, वी वाले को 3% और ए को 2% का फायदा होगा, तो एनसीसी सर्टिफिकेट वाला कहीं ना कहीं इसमें और भी बाजी मार सकेगा, बाकी बच्चों से वो आगे निकल जाएगा।
हाउ टू अप्लाई, इसमें अप्लाई कैसे करना है वो सब बता रखा है आपको। एसएससी से एक बार ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कहीं ना कहीं आगे प्रोसेस के जरिए आप लोग बढ़ सकते हो। यूट्यूब पर विभिन्न सारे चैनलों के द्वारा बताया जा रहा है कि एसएससी जीडी का कैसे फॉर्म अप्लाई करें। फीस के बारे में बता रखा है, 100 रुपये फीस है, कोई भी फीस नहीं है अदर वालों के लिए, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी दोस्तों इसमें फॉर्म के बारे में भी ये देख सकते हो कि फॉर्म का करेक्शन जो है 5/11 से और 7/11 तक रहेगा, ठीक है, 5, 6, 7 नवंबर को रहेगा। बाकी एग्जाम सेंटर, बहुत बार बच्चे कहते हैं एग्जाम्स कहाँ लगेगी, तो दोस्तों ये तो एग्जाम्स के कोड है, आपको एग्जाम्स के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर रहेंगे वो देखिए। भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पुरैना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी, यहाँ पर ये सेंटर्स देखे जाएंगे, ठीक है। बाकी इधर भी आप देख सकते हो, ऑल इंडिया कहीं पर भी आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। देखिए सब कुछ सभी जगह अलग अलग रीजन वाइज ये है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन कौन से आते हैं, आपका एमपीआर रीजन में मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। नॉर्थ रीजन एनआर में अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आता है, तो दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के बच्चे यहाँ से अप्लाई, यहाँ से कहीं ना कहीं एग्जाम दे सकते हैं, अजमेर, दिल्ली, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर वगैरह। इधर छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के बच्चे इन एग्जाम सेंटर को चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। कश्मीर, लद्दाख वगैरह यहाँ से, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, तमिलनाडु के बच्चे यहाँ एग्जाम दे सकते हैं। इधर आपका देहरादून, दमन, गुजरात, महाराष्ट्र के बच्चे इधर एग्जाम दे सकते हैं। तो ये देखिए मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको अलग अलग रीजन वाइज, अलग अलग स्टेट वाइज एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग रीजन वाइज आप इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे और उसी के अनुसार इसकी कट ऑफ बनती है प्यारे साथियों, ठीक है। कट ऑफ भी एक साथ नहीं निकलती, अलग अलग रीजन के अलग अलग निकलती है। अब एग्जाम्स का आप स्कीम जान लीजिए, इसमें दोस्तों कंप्यूटर वैसे सेट ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी होगी, 80 क्वेश्चन आएंगे। आपको बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग्स के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, आपको मैथमेटिक्स देखनी पड़ेगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक चॉइस कर सकते हो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टोटल 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, आसानी से आप इसको पास कर जाओगे। छोटा सा ये एग्जाम्स पैटर्न है दोस्तों, इसीलिए कह रहा था कि इसमें आप एक बार जरूर इस चीज़ को अपनाएं। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें 0.25 की रहेगी, अगर आप 4 पॉइंट गलत कर देते हो तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा देख लीजिए इस चीज़ को। इंटेलिजेंस रीजनिंग्स में कहाँ कहाँ से किसके टॉपिक्स आएंगे ये एग्जाम सिलेबस दे रखा है, जनरल नॉलेज का, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश का। फिजिकल के बारे में भी आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। इसमें दोस्तों मेल के लिए कहीं ना कहीं रेस होने वाली है 5 किलोमीटर की, जो 24 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर बता देता हूँ, फीमेल को 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 8.5 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों पीएचटी के बारे में बात की गई है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको मेल अभ्यर्थी 170 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको इसमें छूट दी गई है, आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ऑल कैटेगरी जो एससी एसटी का अभ्यर्थी है, मेल 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल 150 सेंटीमीटर की काम चल जाएगा हाइट में। इधर आपका इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के रहने वाले हैं उनको भी फायदा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, इधर के अगर है तो यहाँ से भी आपको छूट मिल रही है, ठीक है, मणिपुर वगैरह, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है ना, तो इनको भी यहाँ पर छूट दी गई है। उसके अनुसार आप देख सकते हो, चेस्ट नॉर्मली तो 80 होना चाहिए, फोटोग्राफर 5 सेंटीमीटर 80 से 85, बाकी ये चेस्ट में भी आपको छूट दी गई है, एससी एसटी को भी छूट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 5 सेंटीमीटर की छूट है, ठीक है, एससी एसटी को कितनी है 76, ठीक है, और वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जा रहा है। वेट के बारे में भी इसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं रखा गया है। बाकी नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता रखा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड किस प्रकार होगा, कौन कौन से आपको फॉर्म इसमें बनने पड़ेंगे। देखिए वो ये फॉर्म में सारी जानकारी दी हुई है, तो एक बार आप डाउनलोड कर लो, जो काम की बातें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। आपको बता दूँ कि जब आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है या फिर फॉर्म भरते समय आपको इन इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन जब होगा उसमें अनरिजर्व को बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की, तो 30% नंबर लाना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25%, ऑल कैटेगरी को 20% अंक लाना है, ठीक है। बाकी एग्जाम्स में ही कहीं ना कहीं आपको पास होना है, आपका ये तो शॉर्ट लिस्ट है, एनसीसी के बारे में वो बताई दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये फोर्स वाइज आपको कोड बता रखे है, तो आप लोग इसमें एक बार जरूर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों।
बाकी आगे चलकर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब तो आप जान जाओगे। सबसे बड़ी जो मतलब की बात थी वो मैंने आपको बता दी। इस नोटिफिकेशन में जो काम काम की बातें थी वो मैंने बता दी। इसमें फॉर्म के बारे में बता रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हमें OTR, ठीक है। तो फॉर्म कैसे बनना है वो आप लास्ट में यहाँ पर देख सकते हो। ये SSC ने अच्छा काम किया है, कुछ बच्चों को पता नहीं होता। तो सेम जो ये प्रोसेस बता रखा है फॉर्म का, इसी अनुसार आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और एक बार मेरे कहने पर इस भर्ती में जरूर फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि जिंदगी बन जाएगी यार, ठीक है। 50,000 वैकेंसी बहुत होती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।